हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि तेल की बूंद पानी पे फैल जाती है। आपने देखा होगा, आप कभी तेल को पानी के ऊपर डालिएगा तो वो फैल जाएगा। दोस्तों वो क्यों फैल जाता है? सही आंसर है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ठीक है ना, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से क्या होता है, बहुत कम होता है। दोस्तों जीएस भी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें एसएससी जेई निकालना है तो। एसएससी जेई और जेई की परीक्षा जितनी भी हैं, ठीक है ना, और एसएससी जेई में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि साइंस बहुत ज़्यादा नंबर की आती है दोस्तों। 20 नंबर की तो दोस्तों यही आ जाती है, ठीक है ना। बाकी का दोस्तों 10 या 5 या 6 7 नंबर का करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तेल की बूंद दोस्तों पानी पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये मैं पहली वाली वीडियो में करा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी कि डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, यानी कि दिष्टकारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिष्टकारी। चलिए ठीक ना दोस्तों, क्या होता है ये? दिष्टकारी होता है, ठीक है। परिशोधक बोलते हैं उसको, परिशोधक। ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी की दोस्तों होती है डायरेक्ट करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से दोस्तों कर लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन है, नोट एक माप है, नोट क्या है दोस्तों? भूकंप के झटकों की तीव्रता, गलत आंसर। सौर विकिरण, गलत आंसर। गोल वस्तुओं की वक्रता, गलत आंसर। सही बात है, जलयानों की गति, नॉटिकल माइल बोलते हैं ना, एक नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल दोस्तों कितना होता है? एक नॉटिकल माइल दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा, 1.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये नॉट जो संबंधित होता है वो जलयानों की गति से संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा, नॉट, नॉटिकल माइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तो वह केवल विद्युतमय तार को वियोजित करता है। सही आंसर है, केवल विद्युतमय तार को वियोजित करता है। इनकम टैक्स में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा, लेकिन एग्जाम में हमको सही टिक लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था दोस्तों, ठीक है। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, विकिरण के कारण दोस्तों सूर्य का ताप जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। किसके कारण? विकिरण के कारण, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन के पैकेट्स होते हैं दोस्तों जो पृथ्वी पर आते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो दोस्तों जलन की अगर मैं बात करूँ तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। दोस्तों लेटेंट हीट इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इंसान भाप से ज़्यादा जल जाता है, ठीक है ना, और इसमें जलन भी बहुत होती है। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान दोस्तों कितना होता है? 540 कैलोरी। कितना होता है दोस्तों? 540 कैलोरी। ये ऊष्मा की मात्रक होता है, ध्यान रखना, कैलोरी पर ग्राम जल के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है आपसे कि जल के लिए कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भाप। भाप से दोस्तों ज़्यादा जलन जो है पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत देता था? दोस्तों ध्यान रखना, तूफान का संकेत देता है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों 2006 में, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत देता है? तो वायुमंडलीय दाब को सबसे पहले दोस्तों बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है, आपको सभी को पता है, बैरोमीटर। फॉर्टिन ने इस यंत्र को बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों बैरोमीटर को?
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर दोस्तों किसने बनाया था, एक फोर्टिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, फोर्टिन, उन्होंने दोस्तों बैरोमीटर को बनाया था। ये दोस्तों वायुमंडलीय दाब यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। बैरोमीटर की सहायता से दोस्तों मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब इसका पाठ्यांक दोस्तों धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है, और जब इसका पाठ्यांक एकदम नीचे गिर जाता है तो दोस्तों तूफान आने की संभावना होती है। तो मैंने आपको चारों पांचों केस बता दिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में ही पूछा गया है एसएससी सीपीओ की परीक्षा में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। तो दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले दोस्तों किसने की थी, नील्स बोहर ने की थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील्स बोहर, नील्स बोहर ने दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं कभी कभी, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है, तो दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति की वजह से दोस्तों द्रव्यों में चुंबकत्व आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक हो सकता है। सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए मानव की आंख में दोस्तों निकट दृष्टि दोष, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मायोपिया, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, मायोपिया बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों ये क्या होता है, वो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है ना, को सही अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस का प्रयोग करके दोस्तों इस जो मायोपिया होता है उसको ठीक किया जा सकता है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जो मायोपिया होता है, मानव आँख का एक दोष है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हो। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दोस्तों नज़दीक की वस्तु तो देख सकता है परंतु दोस्तों दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है दोस्तों, अपवर्तन की वजह से दोस्तों जो है वो तारे जो है टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं, तो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ध्यान रखना वायु के अपवर्तन की वजह से। एक्चुअली क्या दोस्तों, वायुमंडल में ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जैसे ही स्टार से जो जो तरंगे आती हैं ना वो उनसे टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है कि हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है कि हाँ वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो टिमटिमा नहीं रहे होते हैं दोस्तों, उनका प्रकाश दोस्तों कॉन्स्टेंटली धरती पर आ रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं, एज इट इज़, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है वो नापी जाती है। अच्छा पेंटाग्राफ क्या करता है दोस्तों, पेंटाग्राफ क्या करता है, किसी नक्शे को छोटा या बड़ा करने का कार्य दोस्तों क्या करता है, पेंटाग्राफ करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बहुल मापी का जो प्रयोग किया जाता है वो धारा को भी माप सकता है, वोल्टता को भी माप सकता है, प्रतिरोध को भी माप सकता है, ध्यान रखना उपयुक्त वैसे सभी इसका सही आंसर है, बहुल मापी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विविध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिज्म का, ठीक है ना। और जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विविध होता है तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इंद्रधनुष दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही बनता है। हिंदी में दोस्तों विक्षेपण बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विविध करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम, दोस्तों आपको विवगोर तो पता ही होगा, विवगोर, ठीक है, ये वाला दोस्तों इसमें फंक्शन काम करता है, ठीक है ना। तो बैंगनी होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जो इंद्रधनुष बनता है ना दोस्तों, वो हमको डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जिनसे हम लोग बिजली बनाते हैं, तो उसमें वो किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, शीत संलयन पर आधारित होता है, अतिचालन पर? तो ये तो गलत हो गए दोनों, ठीक है। अब बचे दोनों दोस्तों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन भी दोस्तों गलत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन दोस्तों तारों में और सूर्य में होता है, ठीक है। सन में दोस्तों नाभिकीय संलयन ही होता है। नाभिकीय विखंडन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है तथा इसके साथ दो या तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। यह नाभिकीय रिएक्टर परमाणु ऊर्जा ग्रह केंद्र, ग्रह का मुख्य भाग होता है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा ऊर्जा रचनात्मक कार्यों जैसे कि विद्युत उत्पादन के लिए उपभोग में लाया जाता है। ये मैंने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी। इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं दोस्तों उसको, इन इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी पढ़िए दोस्तों। निमज्जित वस्तुएं यानी कि सम्मर्ज्ड जो वस्तुएं होती हैं पानी के अंदर, उनका पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, सोनार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोनार किस रेज पर वर्क करता है, कौन सी रेज होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसके अंदर, अल्ट्रासोनिक वेव्स की दोस्तों रेंज क्या होती है आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव की जो रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स की दोस्तों जो वो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। इंफ्रासोनिक की अगर बात पूछे तो इंफ्रासोनिक की जो वेव्स होती हैं वो दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम। और जब दोस्तों तूफान आता है ना तभी दोस्तों इंफ्रासोनिक वेव्स ही जनरेट होती हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स हमेशा डॉल्फिन या एलिफेंट सुन सकता है, ठीक है। तो जो सोनार हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब में दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स ही प्रयोग होती हैं। तो निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार दोस्तों बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे समुद्र में नीचे कोई सबमरीन है उसका पता आसानी से शिप को लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग दोस्तों नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आकृति की पराश्रव्य तरंगें को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये परावर्तित होकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, यानी इको सिस्टम का बेस भी मान लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर होता है दोस्तों, स्पेक्ट्रोमीटर उसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश के परिक्षेपण के लिए। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों दोबारा से, क्या कह रहा क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों फाउंटेन पेन वर्क करता है कैपिलरी एक्शन पे, क्या किस पे वर्क करता है? कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना।
फाउंटेन पेन दोस्तों केशिका क्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के बहने की क्षमता को ही दोस्तों केशिका क्रिया का नाम दिया गया है। और केशिकत्व जो क्रिया होती है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना, किस पर डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन पर दोस्तों जो है वो डिपेंड करती है केशिकत्व क्रिया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जो पिकनोमीटर होता है ना, पिकनोमीटर, उसका दोस्तों प्रयोग जो है वो किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी को मेजर करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों पिकनोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किस पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और इनमें इन केबलों में दोस्तों जो जो नेट चलता है इंटरनेट वो बहुत फास्ट चलता है। और दोस्तों जो इनका प्रयोग जो तो डॉक्टरों द्वारा भी किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स का, जब एंडोस्कोपी जो करते हैं ना दोस्तों, वो लोग एंडोस्कोपी, क्या, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी दोस्तों वो प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्टर दोस्तों पेट के अंदर अल्जर वगैरह का पता लगाता है, कहाँ पर अल्जर है, ठीक है ना, अतिसार वगैरह उनका पता लगाता है। तो एक मुंह के द्वारा दोस्तों वो एक तार को अंदर तक ले जाता है जिसमें दोस्तों कैमरा लगा होता है, आगे बहुत ही फाइन कैमरा होता है। तो वो दोस्तों वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा ऑप्टिकल फाइबर पर डिपेंड करता है, उसमें दोस्तों बहुत क्लियर इमेज आती है पेट के अंदर की, ठीक है। तो उसके द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों ये डिपेंड होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों जो डायमंड होता है वो भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही चमकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश दोस्तों सरल रेखा में गमन करता है, पूछा जा सकता है इसमें, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे वक्रीय मार्ग पर चलाया जाता है। इसे दोस्तों क्या चलाया जाता है, लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप यूज़ करेंगे ना तो उसके द्वारा दोस्तों इसको क्या होगा, वर्गीय मार्ग पर चलाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए यानी कि डिस्ट्रॉय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल तंतु क्वार्टज के कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसके जो फाउंडर थे ना दोस्तों वो कौन थे, सही नाम है दोस्तों इनका नरेंद्र, ध्यान रखना कभी पूछ सकता है, नरेंद्र सिंह कपानी, ये ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है ये कि जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसके दोस्तों उसको दोस्तों किसने खोज की थी, दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी है, वो दोस्तों इंडिया के हैं, ध्यान रखना, पंजाब में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, अमेरिकन फिजिसिस्ट है नोन एज अ फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, दोस्तों इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है डेसिबल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिबल क्या है, तो दोस्तों क्या है, ये ध्वनि स्तर का एक मापन है, ध्वनि स्तर की माप करता है ना डेसिबल, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी अथवा तीव्र यानी कि प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से नापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है, बेल, ठीक है, बेल के दसवें भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, डेसिबल, क्या कहते हैं, बेल के टेंथ पार्ट को दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, डेसिबल बोलता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डेसिबल क्या होता है, एक ध्वनि स्तर की माप को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। तो दोस्तों सही आंसर है अवरक्त किरणों का। ठीक है, क्या होता है दोस्तों अवरक्त किरणों का? सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग दोस्तों मौसम, वातावरण, कृषि एवं भूमि संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा समायोजन में किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति में अंतर्निर्मित स्रोत दोस्तों अवरक्त किरणों का होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये दोस्तों देखो, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? तो दोस्तों विकिरण से आती है। किससे आती है दोस्तों? विकिरण। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को दोस्तों पार्थिव विकिरण कहा जाता है। मतलब ये है कि जो सूर्य से जो गर्मी आती है ना पृथ्वी पे, तो वो दोस्तों फोटोन के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है, जिससे पृथ्वी क्या है गर्म हो जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, ठंडी गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं दोस्तों नीचे आती हैं। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है ना, चलिए ये दोस्तों देखो, फिर दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दिष्टकारी। दिष्टकारी दोस्तों क्या होता है? एक तरह का रेक्टिफायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रभाव सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो हम इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि कोई धारा है या कोई सर्किट है, उस सर्किट में दोस्तों क्या है कि वो जो जो विद्युत इलेक्ट्रिक है, लाइट है दोस्तों, वो क्या होता है धारा का जो प्रभाव होता है वो सदैव एक ही दिशा में हो तो दोस्तों वो डायरेक्ट करंट होता है। अगर धारा का प्रभाव एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे पीछे होता रहे तो वो दोस्तों एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है ना दोस्तों, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है अवरक्त किरणों से। तो अवरक्त किरणों की तुलना में पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, जबकि एक्स किरणें और गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। एक्स किरणें जो होती हैं और गामा रेज, उनमें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है ना, लेकिन जो अवरक्त किरणें होती हैं उससे कम होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, गामा किरणें और एक्स किरणों में दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जेई ने भी पूछा है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कि जो हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा दोस्तों? एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति को मेजर करता है। किसकी? हवा की गति को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑल्टीमीटर क्या करता है? ऑल्टीमीटर दोस्तों क्या करता है कि जो हाइट होती है ना, एल्टीट्यूड मेजर करता है, जमीन से लेके ऊपर आप कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो वो दोस्तों ऑल्टीमीटर से करते हैं। ठीक है, जो क्रोनोमीटर होता है, इस उपकरण का प्रयोग दोस्तों जलयानों में लगा होता है जिसे सही समय का पता लगता है। तो ये दोस्तों किस में यूज़ होता है? वाटरशिप में यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। किस में यूज़ होता है? वाटरशिप में। ऑल्टीमीटर की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है, किसके लिए? हाइट ऑफ प्लेन। ठीक है, हाइट ऑफ प्लेन को मेजर करता है ये ऑल्टीमीटर। क्रोनोमीटर दोस्तों जो शिप होती है, वाटर शिप, उसमें दोस्तों सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एनीमोमीटर मैंने आपको बता दिया, हवा का वेग जो है, हवा की गति, ये एनीमोमीटर द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। पूछा जाता है, ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था किसी ने, ये 2006 में पूछा था, सेक्शन ऑफिसर का पेपर था, उसमें फिजिक्स में पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसने परिभाषा दी थी दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दोस्तों न्यूटन ने की थी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्गमानुपाती होता है। ये दोस्तों न्यूटन ने दिया था। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों आप लिख लीजिए, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये उसको क्वेश्चन उन्होंने दिया था न्यूटन ने, ठीक है ना, जहां पर M1 और M2 दोस्तों द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी है, R तथा F आकर्षण बल है, G को दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं, जिसका मान दोस्तों 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दोस्तों किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला, त्वरित चालक बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कॉपर प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? कॉपर, त्वरित चालक। तो त्वरित चालक दोस्तों कॉपर धातु की चालक छड़ होती है। ये क्या होता है? त्वरित चालक कॉपर धातु की एक चालक छड़ होती है, कॉपर धातु की, जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ये दोस्तों क्या होता है कि जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आसमान से जो बिजली होती है वो कभी कभी बिल्डिंग पे गिर जाती है। तो दोस्तों त्वरित चालक बनाने के लिए दोस्तों हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों उन बिजली को रेसिस्ट करती है। त्वरित चालक का ऊपरी सिरा दोस्तों क्या होता है? नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर इस उस तार को नीचे लगाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूछा गया था त्वरित चालक बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों कॉपर प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, वजन में कमी से वायु दाब घटता है, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ये इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस नहीं किया जाता, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों मायोपिया में यूज़ किया जाता है। उत्तल लेंस का दोस्तों प्रयोग हाइपरमाइट्रोपिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसको दोस्तों एस्टिगमेशन बोलते हैं। एस्टिगमेशन क्या बोलते हैं इसको? एस्टिगमेटिज्म क्या बोलते हैं? एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। अबिंदुकता, यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में यानी कर्वेचर में अंतर के कारण हो जाता है। एस्टिगमेटिज्म दोस्तों आँख का ही एक दोष होता है। ये हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सारे आँख के ही दोष होते हैं। लेकिन दोस्तों एक होता है एस्टिगमेटिज्म, इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों को ना तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है ना ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है, हमको उसमें कर्वेचर में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसमें क्या होता है, एस्टिगमेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देख सकते हो आप, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देख सकते हो, तो वो एस्टिगमेटिज्म होता है। या फिर नेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में तो ठीक देख पाता परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसके इलाज के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी मनुष्य दोस्तों या तो सीधा देख पाएगा हॉरिजॉन्टल, तो वो वर्टिकल नहीं देख पाएगा। अगर वो वर्टिकल देख पा रहा है तो दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाएगा ड्यू टू द कर्वेचर। ठीक है ना, तो उसको दोस्तों सही करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालक, ये अति चालक क्या होता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सुपर कंडक्टिविटी। क्या होता है दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी? क्या होता है ये? सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री या -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये दोस्तों वे तत्व होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी दोस्तों होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, लोएस्ट टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है इनका। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जिनका प्रतिरोध जो है जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति चालक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2007 में आया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है किसी लेजर यथा नियोन लेजर में सभी परमाणुओं में प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं,
एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। दोस्तों सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है। तो दोस्तों जल की जो दोस्तों ऊष्मा धारिता होती है वो सबसे अधिक होती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता है करती है। अर्थात यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को दोस्तों पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान दोस्तों 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता दोस्तों जल की सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि, तापमान में वृद्धि हो जाए एकदम, तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता दोस्तों क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को दोस्तों हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता दोस्तों क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना, सहसा वृद्धि हो और सहसा कमी हो तो बढ़ती है। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो एएम का दोस्तों पूरा नाम होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये पूछा गया था 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों नीला होता है पीले रंग का पूरक रंग, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें दोस्तों पूरक रंग कहते हैं। ध्यान रखना, दोबारा सुनना, जब दो रंग परस्पर मिलते हैं तो सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है दोस्तों, इन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों नीला और पीला मिलाते हैं तो सफ़ेद। ठीक है ना, नीला और पीला मिलाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, सफ़ेद। अर्थात तो पीले रंग का पूरक रंग नीला होगा। हरा और मजेंटा मिलाएंगे तो सफ़ेद, लाल हरा नीला मिलाएंगे तो सफ़ेद। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग दोस्तों कितने होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, एक दोस्तों होता है लाल, एक होता है दोस्तों हरा, और एक होता है दोस्तों कौन सा, एक होता है नीला। ये दोस्तों पूरक, ये दोस्तों वो होते हैं प्राथमिक कलर होते हैं, ठीक है ना। और पूरक रंग वो होते हैं जब दो रंगों को मिलाया जाता है तो उनसे सफ़ेद रंग बनता है, उसको दोस्तों पूरक रंग कहते हैं, पूरक रंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। तो इसका सही आंसर है, सही वर्ण संयोजन के कारण। सफ़ेद कपड़ों में गंदगी के कारण दोस्तों पीलापन आ जाता है। जब हम ऐसे कपड़े में नील डालते हैं तो नील प्लस पीला दोस्तों क्या होता है कि सफ़ेद रंग में बदल जाता है, फलस्वरूप कपड़े में सफ़ेदी आ जाती है। तो यही दोस्तों होता है फिनोमिना। वो कौन सा, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ उस गाने को, वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफाई, पता नहीं उसका गाना क्या है, तो यही चक्कर है उसका, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हम लोग नील मिलाते हैं क्योंकि नीला और दोस्तों पीलापन जो आ जाता है कपड़ों पर, उन दोनों को मिला के दोस्तों क्या हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है ना, पूरक पूरक रंग बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। दोस्तों घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें दोस्तों भंडारित जो ऊर्जा होती है ना, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि स्टैटिक एनर्जी होती है दोस्तों अंदर। कौन सी होती है, स्टैटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
जैसे कि दोस्तों अगर अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ या स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तो वो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी ही तो होती है उसके अंदर, स्थितिज एनर्जी, ठीक है ना। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, स्थितिज एनर्जी, तनी हुई स्प्रिंग, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में भारहीनता, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, अनुभूति क्यों होती है दोस्तों उसमें। तो दोस्तों कक्षा में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इस कारण अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है। दोबारा पढ़ते हैं, कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होने लगता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है कि भारहीनता की अनुभूति होती है। एक दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा है, जो थर्म होता है दोस्तों वो किसकी यूनिट होती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों ऊष्मा की यूनिट होती है थर्म, दोस्तों ऊष्मा की यूनिट है थर्म, ऊष्मीय ऊर्जा का एक गैर ऐसा ही मात्रक है, या दोस्तों 1 लाख ब्रिटिश यूनिट BTU के बराबर है। ठीक है, इनकम टैक्स दोस्तों 2007 में पूछा था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति का नियम क्या बताता है। तो दोस्तों जड़त्व के बारे में बताता है, जड़त्व किसके बारे में बताता है दोस्तों, जड़त्व के बारे में यानी कि इनर्शिया के बारे में बताता है। न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम गति के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इस केसेस में दोस्तों क्या है कि न्यूटन की गति का दोस्तों पहला नियम है ये, ठीक है ना। तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को दोस्तों जड़त्व तो कहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, आखिर वो कितनी स्टेबल तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को, अब आप खड़े हो, आप स्टेट हो एकदम, ठीक है ना। आप चाहोगे कि दोस्तों आप अपनी जगह से हिल जाओ, तो आपकी जो आपको पता है, आपको जैसे कि मान लो गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप आगे की ओर झुक झुक जाते हो, तो क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है। इसलिए दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक इनर्शिया होता है, एक काइनेटिक इनर्शिया होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम का संकल्प दोस्तों किससे है, जड़त्व से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती हैं। दोस्तों विकिरण की प्रक्रिया द्वारा दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचती हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से। पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन की वजह से, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से। पानी में डला हुआ सिक्का हमको ऊपर दिखाई देता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से यानी कि अपवर्तन की वजह से। स्विमिंग पूल जो है हमको, हालांकि होता गहरा है लेकिन वो कम गहरा दिखाई पड़ता है किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तालाब के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें दोस्तों क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए अपरिवर्तित हो जाती हैं, तथा इस कारण तालाब के तल का प्रतिबिंब उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर बनता है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि जो अपवर्तन होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो लाइट होती है ना वो दोस्तों सघन माध्यम से किस में जाती है दोस्तों, विरल माध्यम में। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप कौन सा है।
तो दोस्तों सबसे पुराना जो रूप है वो सौर ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा। उसको गतिज ऊर्जा तो बोलेंगे नहीं, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा भी नहीं बोलेंगे, ताप ऊर्जा ही तो बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हम सदा चंद्रमा का वही पार्श्व देखते हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में। इसलिए दोस्तों हम लोग चंद्रमा का वही भाग देखते हैं, ठीक है ना। ये भी दोस्तों हमारे साथ ही घूर्णन करता है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतीय स्थल जो होता है ना, जो माउंटेनियस स्थल होते हैं, ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइपलाइन जो क्या होते हैं, फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? तो दोस्तों इसका सिंपल सा कारण है कि पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर दोस्तों फैलता है और पाइप फट जाता है। आपको पता है दोस्तों जब पानी जमता है ना तो दोस्तों क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लग सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो पानी जब जमता है ना दोस्तों तो वो क्या होता है, पाइपलाइन को फाड़ देता। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई में फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, आद्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आद्रता मापने के लिए एक तो हाइग्रोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? एक होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, ठीक है, और एक होता है दोस्तों स्लिंग साइक्रोमीटर। कौन सा होता है? स्लिंग साइक्रोमीटर। क्वेश्चन है दोस्तों, कारों के हेडलैम्प, जो कार होती हैं उनकी जो हेडलैम्प होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, मिरर कौन सा यूज होता है? तो दोस्तों उसमें होता है पैराबोलिक कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है दोस्तों? पैराबोलिक कॉनकेव लेंस दोस्तों उसमें यूज होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से दोस्तों हमको सूरज लाल दिखाई देता है, तो ये तो गलत हो गया, परावर्तन भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य दोस्तों किससे होता है? दिष्टधारी। क्या होता है दोस्तों? दिष्टधारी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जो एसी करंट होता है ना, एसी वो डीसी करंट दोस्तों वो एसी में कन्वर्टेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यस्थ है, यानी कि स्टील दोस्तों है जो है वो सबसे अधिक इलास्टिक है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे में कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक दोस्तों उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं करती है, इसलिए ये दोस्तों ऐसा होता है, जो हमारी पुतली होती है वो एकदम प्रसारित नहीं होती है, इसकी वजह से दोस्तों हमको ऐसा दिखाई देता है कि अक्सर हम लोग जब धूप में से अंधेरे में आते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, ब्लैक ब्लैक हो जाता है आंखों की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? तो सही आंसर दोस्तों वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, शीतकाल में यानी कि सर्दियों में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो कमीज पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो दोस्तों दो कमीजों के बीच दोस्तों वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, परत रोधी माध्यम के रूप में काम करता है। इसकी वजह से दोस्तों हमें क्या होता है कि शीतकाल में हमको क्या है, दो पतली कमीजों में अधिक गर्मी लगती है हमको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो दोस्तों आयन मंडल जो होता है, आयनोस्फीयर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना दोस्तों, वो उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्वात में से कभी भी ध्वनि नहीं गुजर सकती। क्यों दोस्तों? क्योंकि ध्वनि को दोस्तों मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए दोस्तों? ट्रैवल करने के लिए। इसलिए दोस्तों ध्वनि को हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्या नाम दिया गया है दोस्तों ध्वनि को? हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। ध्यान रखना, कौन सी? मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। और दोस्तों ध्वनि को दोस्तों एक और कहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल दोस्तों वेव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एयर में दोस्तों कितनी ध्वनि होती है? दोस्तों ध्यान रखना 332 मीटर पर सेकेंड दोस्तों ध्यान रखना होती है एयर के अंदर। सबसे ज़्यादा दोस्तों किस में होती है? दोस्तों सॉलिड में होती है, ध्यान रखिएगा। किस में होती है दोस्तों? सॉलिड में समथिंग 5,000 के करीब होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों जो लाइट होती है, अगर मैं लाइट की बात करूँ तो दोस्तों लाइट कैसी है दोस्तों? ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। और दोस्तों इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, लाइट को? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ध्यान रखना। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती हैं। कौन सी होती हैं? लाइट होती है, ठीक है ना। इसको दोस्तों नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, लाइट जो होता है इसके लिए दोस्तों नॉट रिक्वायर्ड, क्या? नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। पहली बात तो ये ध्यान रखो, कोई दोस्तों मीडियम की आवश्यकता नहीं होती लाइट को। लाइट दोस्तों ट्रैवल किस में कर सकती है दोस्तों? ट्रैवल जो कर सकती है ये दोस्तों वैक्यूम में भी जो है वो ट्रैवल दोस्तों कर सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जेई का ही है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। किस में दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परावर्तित किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परावर्तित किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन द्वारा, किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा परावर्तित किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों किस में किया जाता है? लाउड स्पीकर में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में किस में हम लोग करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना माइक्रोफोन। और ध्वनि ऊर्जा और दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में दोस्तों लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, ध्वनि को विद्युत में, सॉरी विद्युत को ध्वनि में, तो वो किससे करते हैं? लाउड स्पीकर से करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूड़ी मंच पर कौड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ को दोस्तों बाहर की ओर फैला दो। तो दोस्तों क्या होगा, उसकी घूड़ी जो चाल होगी ना, उसकी रोटेशनल स्पीड होगी, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? तो ध्यान रखना चंद्रमा जो है दोस्तों हीलियम-3, उसके अंदर बहुमूल्य मात्रा में जो है हीलियम-3 अवेलेबल है चंद्रमा में दोस्तों। तभी दोस्तों चंद्रमा में अगर हीलियम हमको मिल जाता है तो उसमें कई सारी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, ये पृथ्वी पर है, शुक्र पर है, शनि पर है, चंद्र पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? हीलियम-3। कौन सा पाया जाता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा? एक तो कौन सा पाया जाता है? हीलियम-3 पाया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में,
कौन सा, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा पर कौन सा खगोलीय पिंड में प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तो दोस्तों हीलियम थ्री ध्यान रखिएगा, और कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर दोस्तों क्या है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का दोस्तों क्या है, नेचुरल सेटेलाइट है। क्या है दोस्तों, नेचुरल सेटेलाइट, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी दोस्तों पूछ ली जाती है 384,000 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्मॉग क्या होता है, स्मॉग, स्मॉग एक मिश्रण है, तो दोस्तों स्मॉग काय का मिश्रण है, धूम्र और कोहरे का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2008 में दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉग क्या है दोस्तों, स्मॉग धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है, स्मॉग दोस्तों मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक है, जबकि कोहरा हानिकारक नहीं होता है। तो दोस्तों स्मॉग क्या होता है, स्मॉग दोस्तों धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है, फॉग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, दोस्तों धारिता प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा धारिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त तो चश्मों में होते हैं, तो दोस्तों पोलेराइड होता है, पोलेराइड। भूतकाल में लाल हरे लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान में दोस्तों पोलराइज्ड लेंसों का तथा LCD चश्मों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है 3D इमेज को देखने के लिए। तो दोस्तों ये कौन से ग्लासेस होते हैं जो 3D इमेज को देख सकते हैं, पोलराइट, कौन से होते हैं, पोलराइट। कहीं ना कहीं क्वेश्चन दोस्तों ये मिल जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद दोस्तों गिरती है कहाँ पर दोस्तों, उसके हाथ ही में गिरती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया साबुनीकरण क्या है, दोस्तों साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया दोस्तों साबुनीकरण कहलाता है। साधारणतः साबुन जो होता है वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण से बनते हैं, इन उच्च वसा अम्लों में पॉमटिंग अम्ल दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये दोस्तों ध्यान रखना, पॉमटिक अम्ल दोस्तों जो है पाया जाता है, ठीक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, पॉमटिंग अम्ल, एक स्टैटिक अम्ल तथा ओलियक अम्ल दोस्तों पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट आवर एक यूनिट है, तो दोस्तों किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा दोस्तों काय की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट है, शक्ति की यूनिट तो नहीं है ना, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत को छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि संवातक, सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, इसका सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फिनोमेना है, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है कि पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश होता है उसके बाल दोस्तों आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति होती है, द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण दोस्तों क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं दोबारा दोस्तों, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया, दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों SSJEE में पूछा गया था, वर्षा जल की गिरती हुई बूंदें की आकृति गोल होती है, क्यों, पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो जो पानी की बूंदें होती हैं उनकी उनका जो आकार होता है वो गोल बना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, सभी मूल बसों में सबसे दुर्लभ है,
सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल दोस्तों कौन सा है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल दोस्तों जो है वो सबसे दुर्लभ बल है, ठीक है ना। प्रकृति में चार मौलिक बल होते हैं, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, एक होता है स्थिर विद्युत बल, एक होता है नाभिकीय बल, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि चार मौलिक बलों में से गुरुत्वीय बल एक कमजोर छीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। बढ़ते हुए बल के अनुसार आरोही क्रम की अगर बात करी जाए तो दोस्तों गुरुत्वीय बल सबसे कम, चुंबकीय बल उससे ज़्यादा, स्थित विद्युत बल उससे ज़्यादा तथा नाभिकीय बल उससे ज़्यादा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है, अर्थात प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो कौन सा? नाभिकीय बल। तथा सबसे कमजोर बल दोस्तों कौन सा? गुरुत्व बल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा है, तो दोस्तों क्या लगाएंगे? अब नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो है वो दोस्तों क्या है? सबसे सशक्त और सबसे मजबूत बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वायु का दाब, दाब का कोई भी प्रभाव दोस्तों ध्वनि पर नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तापमान का दोस्तों प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है, तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की स्पीड भी दोस्तों तेज़ हो जाएगी। ध्यान रखना, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो दोस्तों ध्वनि की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। तापमान में नमी की मात्रा को अगर आपने बढ़ाया तो दोस्तों ध्वनि की स्पीड तेज़ हो जाएगी। ध्यान रखना, ध्वनि के संचरण की दिशा में पवन, ये भी दोस्तों इफेक्ट करती है। वायु का दाब दोस्तों कभी भी, प्रेशर दोस्तों कभी भी इफेक्ट नहीं करता है ध्वनि को। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैस का घनत्व तो अधिकतम होता है, यानी कि गैस की जो डेंसिटी होती है अधिकतम कब होता है? जब प्रेशर अधिक होता है और कम तापमान होता है, तो गैस का जो घनत्व तो होता है वो अधिकतम होता है। प्रेशर अधिक कर दो, ठीक है ना, और टेम्परेचर कम कर दो तो गैस का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बोला है ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? सिंपल सी बात है, वायु के कम दबाव के कारण होती है। किसकी वजह से होती है? वायु के कम दबाव के कारण। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एक विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है, तो उसके अंदर गैसेस होती हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस है दोस्तों वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मात्रा दोस्तों 78% है, ठीक है। वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस दोस्तों ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा 21% है। उसके बाद दोस्तों ऑर्गन है, उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% है। उसके बाद हीलियम है, ठीक है ना। इस तरीके से गैस दोस्तों पाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर एक क्या करती है? अत्यधिक दाब डालती है। आपको पता है दोस्तों जो एयर होती है वो हम सभी पर दोस्तों एक फोर्स लगाती है, जिसे दोस्तों हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के निकट दोस्तों समुद्र तल से प्रति 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वायु दाब दोस्तों लगभग 1 सेंटीमीटर क्या होता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर बहुत जोरी सॉरी दोस्तों, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना दोस्तों, वो ऊपर जाते समय, ऊंचाई पर जाते समय, 100 किलोमीटर जाते समय दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी के कारण दोस्तों ऊंचाई पर सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा? तो मैंने आपको वो बोला था ना, ये क्वेश्चन आएगा। नाभिकीय बल जो है सबसे सशक्त बल है। कौन सा बल? नाभिकीय बल जो है सबसे सशक्त बल है। ये दोस्तों सबसे सबसे दुर्लभ बल होता है गुरुत्वीय बल। सबसे सशक्त बल दोस्तों होता है नाभिकीय बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि आपेक्षिता का जो सिद्धांत है, आपेक्षिता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एकमान समान रहता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो दोस्तों एकमान समान रहता है। आपेक्षिता का सिद्धांत की अगर बात करें तो आधुनिक भौतिकी एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था। आपेक्षिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के दोस्तों दो मुख्य अंग हैं, एक विशिष्ट सापेक्षता, एक सामान्य सापेक्षता। विशिष्ट सापेक्षता दोस्तों दो परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें से एक परिकल्पना के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है, चाहे उन सबके
सबकी सापेक्ष गति कुछ भी हो या प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी हो, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो मतलब उसी की अनुसरण करता रहेगा, जैसे आप जैसे और सैटेलाइट कर रहे हैं उसी तरीके से दोस्तों चम्मच भी दोस्तों ऐसे ही अनुसरण जो है वो करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्राय फट जाती हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 3 बार आ चुका अभी तक, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, पानी जम जाता है और उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? मास वही रहता है उसका और वेट चेंज हो जाता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम रहता है, कभी भी द्रव्यमान जो है वो दोस्तों बदलता नहीं है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान दोस्तों उतना ही रहता है। चंद्रमा पर दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो दोस्तों पृथ्वी का कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों 1/6 है, कहाँ पर दोस्तों? चंद्रमा पर। कहाँ पर है दोस्तों? चंद्रमा पर दोस्तों, इतना ही है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मरीचिका का कारण क्या है? तो दोस्तों वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा कि जो मिराज होता है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? MIRAGE, मिराज, ठीक है। तो जो मरीचिका होती है दोस्तों एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है, ये एक तरह का भ्रम जिसमें दोस्तों प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दोस्तों दूर होता है, वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडल अपवर्त का एक तरह का अनोखा एक आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? विरल, और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होता है, ठीक है। किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपरिवर्तित होता है त्यों त्यों वह अविलंब से अधिकतर विचलित होता है और अंत में पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है, फलतः प्रेक्षक वस्तु काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये दोस्तों सिंपल सा इसका फिनोमेना था। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो मरीचिका है वो किस कारण से हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दोस्तों विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन पहले ऊपर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। परमाणु जो बम होते हैं दोस्तों, परमाणु बम, वो भी दोस्तों इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। और दोस्तों जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, उसका ध्यान रखिएगा, सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो हमेशा न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। क्या? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों तापमान मापने के लिए दोस्तों बोलोमीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा। बोलोमीटर का प्रयोग दोस्तों किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ATM की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। SSC ने भी पूछ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर को देखिए, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति की चोट लग जाती है, कारण क्या है? प्रतिक्रिया, रिएक्शन की वजह से तो ऐसा होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा में, करंट में दोस्तों जब भारी वृद्धि होती है तब ऐसा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक बल के साथ उसके बराबर परिणाम
और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति चोट लगाने का कारण दोस्तों प्रतिक्रिया है, रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ये दोस्तों सिविल का क्वेश्चन पूछ लिया है फिजिक्स में। कैंटिलीवर बीम बोझ को केवल एक सिरे से सहारा देती है। पुलों के निर्माण में कैंटिलीवर बीमों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। आपको पता है दोस्तों कैंटिलीवर बीम किस तरीके से होती है? इट इज़ अ कैंटिलीवर बीम एंड इट इज़ अ डब्लू लोड एंड इट इज फ्लेक्शन इज लाइक दैट। तो दोस्तों एक तरफ से फिक्स होती है, एक तरफ से दोस्तों फ्री होती है। इट इज़ अ कैंटिलीवर बीम और ये दोस्तों ब्रिजेस में दोस्तों यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा, चावल का पकना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर, ऐसा क्यों होता है? जानते हैं, पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है क्यों? समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर दोस्तों वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब दोस्तों क्या होता है? कम होता है। वायु दाब घटने से दोस्तों जल का क्वथनांक जो है वो घट जाता है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि अगर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो क्या होगा? क्वथनांक दोस्तों क्या होगा? कम हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तथा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का क्वथनांक दोस्तों घट जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर दोस्तों क्या होता है कि उबलने लगता है। कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें दोस्तों पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे वह पूर्ण रूप से पक नहीं पाता। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनमो क्या है? ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। डायनमो एक यंत्र है। तो दोस्तों डायनामाइट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जाता है, ठीक है, फिजिक्स के। दोस्तों इसी तरीके के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए बस मेरे साथ और अपनी तैयारी को दोस्तों धार देते रहिए। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से यानी कि सफ़ेद प्रकाश डालने से दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण दोस्तों क्या है? व्यक्तिकरण। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण दोस्तों क्या है? व्यक्तिकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है या ज़्यादा होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दोस्तों कैसे किसकी वजह से दिखाई देते हैं? व्यक्तिकरण की वजह से दोस्तों रंग दिखाई जो है वो देता है। इसका कारण दोस्तों व्यक्तिकरण है, ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की तरंगे समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यक्तिकरण होता है, जिसे दोस्तों फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्य वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण, पृथ्वी पर दूरस्य वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो पृथ्वी पर दूरस्य वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है दोस्तों। कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको पार्थिव टेलीस्कोप बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग आए तो दोस्तों क्या होता है? टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का दोस्तों क्या होता है प्रयोग? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त दोस्तों सभी इसका सही आंसर है, ठीक है। CO2 दोस्तों मुख्य रूप से होती है वैश्विक तापमान के लिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों उसको बोलते हैं, और CO2 दोस्तों मुख्य गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, इमिजन ऑफ CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व दोस्तों सबसे कम होता है? डेंसिटी, पेट्रोल की डेंसिटी दोस्तों सबसे कम होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्धोधम विचुंबकन दोस्तों एक सिद्धांत है, इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है न्यून तापमान के लिए।
एडियाबायोटिक डीमैग्नेटाइजेशन, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबायोटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है एडियाबायोटिक डीमैग्नेटाइजेशन? तो परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है ये एडियाबायोटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इस विधि के तहत कुछ विशिष्ट पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जा सकता है। तो एडियाबायोटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्या डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन करके दोस्तों हम क्या करते हैं उसका जो चुंबकीय इफेक्ट होता है वो हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो बदलता है, क्या बदलता है? रासायनिक एनर्जी को दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर पर एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर दोस्तों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है वो वस्तु के रूप आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोस्तों वो साथ साथ गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए प्रयुक्त तो साधन रेगुलेटर, ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक दोस्तों एक फिजिक्स का दोस्तों पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, ये दोस्तों दूसरी वीडियो है फिजिक्स पे, उसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, अभी तक दोस्तों फिजिक्स के आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोहरा एक उदाहरण है, तो दोस्तों गैसों में परिक्षिप्त द्रव का ध्यान रखना, गैसों में, गैस में परिक्षिप्त द्रव का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोहरा दोस्तों क्या है, यानी कि फॉग दोस्तों क्या है, गैस में परिक्षिप्त द्रवों का दोस्तों एक ये उदाहरण है। तो दोस्तों आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ये भी बताइएगा। ठीक है, ताकि और अच्छे क्वेश्चन लेकर आ सकें आपके लिए, और देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना।